छत्तीसगढ़ करतला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढोणा तराई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डाइट अधिकारी एस के प्रसाद, कार्यक्रम अधिकारी डी आर पटेल व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिविर के विषय में प्राचार्य पुरुषोत्तम पटेल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद एक समाज सेवक थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलने के लिए समाज को प्रेरित करने के लिए यह शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए सुबह शाम नाश्ता व खाने की व्यवस्था भी की गई है। सर जी, आपके परिचय बताएंगे। मैं पुरुषोत्तम पटेल प्राचार्य हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुमान में, है ना। आज 16 नवंबर से हमारे विद्यालय का बालक एवं बालिका का संयुक्त इकाई की जो विशेष शिविर है 7 दिवस का, वो ग्राम ढोणा तराई में आयोजित किया गया है। आज का शुभारंभ हुआ आज उसका। सर कितने दिन राष्ट्रीय सेवा योजना चलेगा? ये चलेगा 22 नवंबर को इसका समापन होगा। एक सप्ताह का शिविर है, 7 दिन का। जी सर, बच्चों के लिए खाने के लिए व्यवस्था क्या रखा गया है सर? बच्चों के खाने के लिए दाल चावल सब्जी पूरी सलाद अचार पापड़ सब सारी व्यवस्था है। नाश्ता में अलग अलग दिन कभी पोहा कभी चना कभी पकौड़ा कभी हलवा कभी उपमा, कई प्रकार की व्यवस्था बच्चों की इच्छा के अनुसार से उनको बच्चों को अच्छा से नाश्ता कराया जाता है और भोजन भी बच्चे साफ सुथरा भरपेट भोजन करते हैं अपने रुचि के हिसाब से। सर स्वामी विवेकानंद का क्या उद्देश्य था? स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य ये था कि हम समाज की सेवा करके अपने व्यक्तित्व का विकास करें, है ना। और इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अपने जीवन भर समाज की सेवा में, मनुष्य को वो ईश्वर मानते थे। वो कहा करते थे कि मैं उस ईश्वर का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो उद्देश्य था मानव की सेवा, और उसी को उद्देश्य मान करके राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई है और गांव-गांव में प्रतिवर्ष विशेष शिविर का आयोजन होता है। और शिविर में 7 दिन तक हमारे स्वयंसेवक जो हैं, है ना, घर घर जा कर के उनकी क्या तकलीफ है और उनको शिक्षा के बारे में, अंधविश्वास से दूर रहने के बारे में, दहेज प्रथा से दूर रहने के बारे में, स्वच्छता के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं।